को थोड़ा रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता रामचंद्र प्रधान जी जुड़ चुके हैं। प्रधान जी, मुलायम सिंह आज हम सबको छोड़ के चले गए हैं, देश प्रदेश के लिए एक बहुत ही क्षति हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने एक जीवन भर संघर्ष किया कमजोर तबके के लोगों के लिए और पिछड़ों के लिए। ऐसे नेता का जाना बहुत दुखद है और मैं समझता हूँ कि उनकी पूर्ति होना संभव नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे महापुरुष थे जिनका अपूर्णीय क्षति है देश के लिए। वो हालांकि वो ऐसे नेता थे जिन्हें किसी जाति, किसी समाज, किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ के देश में जाना चाहिए। वो एक बहुत महान नेता थे और समाज के बहुत बड़े तबके के उन लोग उनके शुभचिंतक हैं। आज पूरा देश स्तब्ध है उनकी मृत्यु से, उनके जाने से आज पूरा देश स्तब्ध है। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। रामचंद्र जी, बहुत ही दुखद हुआ है ये। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। एक लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे जिसके वेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज प्रकृति भी देखिए कितना पानी गिर रहा है और कितना कहीं ना कहीं वो भी आज उदास नजर आ रही है मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर। जी रो रही है, मैं समझता हूँ प्रकृति भी रो रही है उनके निधन पे। और उन्होंने अपने जीवन में चाहे वो मुख्यमंत्री काल रहा हो, चाहे वो रक्षा मंत्री काल रहा हो, रक्षा मंत्री रहते हुए भी बहुत अच्छा काम किया देश के लिए। उन्हें बहुत बड़े योगदान है उनके, इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके निधन पर पूरा देश नहीं बल्कि प्रकृति भी आज रो रही। जी प्रधान जी, कितनी क्षति आपको लगती है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा को कुछ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है। समाजवादी पार्टी के नेता थे वो, लेकिन वो सर्वमान्य नेता थे, तो स्वाभाविक है कि जिस दल में, जिस दल के संरक्षक थे, जिस दल के उन जिन्होंने निर्माण किया था, उन्होंने दल बनाया था, तमाम लोगों को ऐसे तमाम विचार, उनकी अपनी एक विचारधारा थी, उस विचारधारा से कितना समाजवादी पार्टी चल पाती है तो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी का एक भारी नुकसान होगा। जी प्रधान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आपका धन्यवाद।